अपने कार को अपने वार्ड में रुकवाया। खबर जनपद संभल के तहसील चंदौसी में वार्ड नंबर 9 में आज जल निगम द्वारा सड़कों पर गड्ढे खोदकर पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा था। वहीं वार्ड नंबर 9 की जनता ने अपने सभासद को बताया कि 3 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही थी, जबकि पुरानी पाइपलाइन 6 इंच की डाली गई थी। वहीं मौके पर सभासद विमल चौधरी ने जाकर देखा तो उन्हें भी मानक के अनुसार कार्य होते हुए नहीं दिखा और ना ही पाइप की गहराई मानक अनुसार थी, तो उन्होंने जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाल रहे कार को रुकवा दिया। वहीं जल निगम अधिकारी आए और बिना कुछ कहे चलते बने। वही नगर पालिका की लापरवाही सामने आई कि जहां कार चल रहा था न तो वहां कोई बैनर लगाया गया था कि कार प्रगति पर है, और वही लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। आइए दिखाते हैं चंदौसी से हेमंत चौधरी की यह रिपोर्ट। सड़कों की क्या स्थिति हो रही है? सब गड्ढे खोद रखे हैं, तो इसमें क्या परेशानी और किसके कारण आ रही है? ये सड़कें खोद रहे हैं जलकल वाले, और इन्होंने सारे शहर को नरक बना दिया है। क्या इन लोगों की अधिकारियों से साठ गांठ है, पता नहीं इन ठेकेदारों की क्या है कि 10% भी मानक अनुसार काम नहीं हो रहा। पाइपलाइन 3 फीट से नीचे गहरे पर पड़नी चाहिए, जो 1.25 फीट पर पड़ रही है। 3 इंची की पाइपलाइन पड़ रही है, जबकि पुरानी पाइपलाइन 6 इंची की थी, जबकि 6 इंची की जब थी, जब हमारे यहाँ संख्या बहुत कम थी, जनसंख्या और ज़रूरत कम थी, क्योंकि उस टाइम नल थे, कुएँ थे, तो इसलिए आदमी नगर पालिका के पानी पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता था इस पानी पर, और आज पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है। और सरकार ये कह रही है कि जेट पंप हटाओ और ये करो, तीसरी मंजिल पानी देंगे। मुझे नहीं लगता कि तीसरी मंजिल तक के घर के अंदर भी पानी आ सके। तो जैसी पाइपलाइन 3 इंच की छोटी सी डालकर इतनी अंधेरी वर्दी मचा रखी है इन्होंने, पूरे शहर में मचा रखी है, पूरे शहर की हालत। मेरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है, मैंने हर ठेकेदार तक आज तक नगर पालिका ने भी जो काम कराया है, पहली बात तो हुई नहीं, एक दो काम हुआ है तो मैंने पहले कह दी ना मुझे कमीशन चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मेरे यहाँ पर ईमानदारी से मानकता के अनुसार काम करें तो करें, अन्यथा ना करें तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा है। सर, जैसे कि यहाँ पर कार्य चल रहा है और आप अभी आपकी हमने देखा था बाइक स्लिप हो गई और आप गिर गए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कम से कम यहाँ पर एक बोर्ड तो लगवाया जाए, रोड बंद है या डाइवर्जन है कुछ, सब जगह सारी चंदौसी पूरे शहर में रोड खोद के डाल दिए ना म्यूनसिपल्टी वालों ने, पूरे सारे कपड़े भी खराब हो गए, चोट लग जाती, कौन जिम्मेदार होता? आपके कहीं चोट तो नहीं आई सर? चोट तो खैर नहीं आई, बट मेरा पैर मुड़ गया पूरा, जो पानी भी डाल दिया उसके मिट्टी के साथ। आपके साथ बाइक पर और कौन था? मेरी वाइफ थी। जरा वो कुछ कहना चाहेंगी? सर, बहुत ही खराब रोड कर रखा है, प्लीज़ इसको या फिर रुकवा दीजिए यहाँ का रास्ता, या फिर सही करवा दीजिए जल्दी से। आपके कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं सर।